नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आधार कार्ड बनवाए हैं और अभी तक नहीं बन रहा है और वो बनने लायक ही नहीं है, तो दोस्तों आप शिकायत कहां पर कर सकते हैं। आधार कार्ड में जो भी आपकी समस्या आ रही है, आप उसकी शिकायत कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जो कि आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो लाऊं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आधार रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी आधार अपडेट नहीं हो रही है, आधार कार्ड नया बनवाएं लेकिन अभी तक बनी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आधार कार्ड में, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों देखिए, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI की, यानी आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, आपको करना क्या होगा कि आपको जाना कहाँ पर होगा, ये आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माई आधार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेन्यू में। तो आपको क्या करना है कि इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए अपडेट योर आधार में जो तीसरे नंबर पर है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नया सर्विस आ गया है इसमें। तो आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइल और कंप्लेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यही एक नया सर्विस अभी जुड़ा है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है आधार कार्ड से आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है, आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप स्टेट से रहते हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं अपना स्टेट को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए कंप्लेंट फॉर, किसके लिए आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, दूसरों के लिए, अपने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे के कंप्लेंट करना चाहते हैं तो अदर पर क्लिक कीजिएगा, अगर अपना कंप्लेंट करना है तो आप सेल्फ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इंटर कंप्लेंट टाइप पर आपको कंप्लेंट टाइप करना है कि क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कि आप आधार लेटर, PVC स्टेटस, आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑथेंटिकेशन इशू यानी कि जो फिंगरप्रिंट होता है वो आपकी नहीं लग रही है, इनरोलमेंट रिलेटेड, यहाँ पर आप कंप्लेंट कीजिएगा। ऑपरेटर इनरोलमेंट एजेंसी यानी आप आधार कार्ड का सेंटर लेना चाहते हैं उसकी भी आपकी कंप्लेन है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल एप्लीकेशन इशू, आपकी जो प्रॉब्लम है अपडेटर रिलेटेड, आपकी जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पर क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। दोस्तों, जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको आपको दिखाता हूँ कि इनरोलमेंट रिलेटेड हमको एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखिए इंटर कैटेगरी टाइप, आप जैसे आप अपना कंप्लेन टाइप करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि माय इनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इशू। आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको करना क्या है कि जो आपको उस पर URN, SRN या EID नंबर मिला होगा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और वो जो कागज़ एक मिला होगा आपको उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो, और आपको जो प्रॉब्लम है इसमें आपको टाइप कर देना है कि क्या आपका प्रॉब्लम आ रहा है। सारा टाइप करके यहाँ पर अपना प्रॉब्लम को करना क्या है कि कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। और जैसे कैप्चा कोड को फिल करेंगे नेक्स्ट का बटन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक आपको SRN नंबर मिल जाएगा। आपको SRN नंबर मिल गया है तो आपकी जो कंप्लेन है दर्ज कर दी गई है। और आपको करना क्या है कि आप अगर उस स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो आप उस स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं SRN नंबर के द्वारा। दोस्तों, आपको करना क्या है कि फिर उसी वहीं पर जाना है और यहाँ पर देखिए जैसे नीचे आते हैं चेक कंप्लेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर SRN नंबर को फिल करना है और कैप्चा कोड को फिल करना है। कि जैसे सब फिल कर देते हैं तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा, आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है, क्या सब प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे आपको कोई भी शिकायत हो आधार कार्ड से रिलेटेड तो आप यहां से दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो लाऊं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।